गाइस, आई एम अभिलाषा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी अभिलाषा। हे गाइस, आज मैं आपसे अपने चैनल पे पहली बार अपनी फेवरेट बैंगल कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ, जो कि मेरी एक सब्सक्राइबर है 2 मंथ से ना मुझे उन्होंने बोला है, दी आप अपना बैंगल कलेक्शन शेयर करो। कुछ मेरे पुराने बैंगल हैं और कुछ मैंने रिसेंटली बाई किए हैं। सो चलिए धीरे धीरे करके मैं आपसे अपनी सारी बैंगल आप लोग से दिखाती हूँ। कुछ तो आपने मेरे वीडियो में भी देख रखा होगा। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल बटन ज़रूर दबा दें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो आज की हेल्पफुल लगेगी ना तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। एंड अगर कोई कोई बैंगल अगर ऑनलाइन भी मिल रहा है ना तो मैं उसकी भी लिंक ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हो। अगर ये मैं सबसे पहले दिखा देती हूँ, ये मेरी शादी की चूड़ी है। मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं। सो मेरी जब शादी हुई थी तो उस समय लाह पहनना होता है शादी के समय, तो ये सारी मेरी चूड़ियाँ जो हैं लाह की हैं, कुछ कांच और लाह। अभी ये तो सारा सेट बना हुआ था, जब मैंने लिया तो सारा सेट बना हुआ था, बाकी मैंने सबको अलग अलग कर दिया, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो थोड़ा थोड़ा कभी उसमें से निकाल के पहन लिया, कभी उसमें से निकाल के पहना, तो ऐसे ऐसे सारा ना सेट गड़बड़ हो गया है। सो ये आपको मेटल में मिल जाएगा। एंड ये जो है ये बहुत खूबसूरत मेरी बैंगल है, ये वाली जो बैंगल है फ्रेंड्स, ये पूरी लाह की है। ये थोड़ा मुझे कॉस्टली मिला था, बट यू कैन सी रेड, ये लाह की बैंगल है। और हमारे इंडियन कल्चर में तो जब शादी होती है तो लड़कियां लाह की ही चूड़ी पहनती हैं, और चूड़े के जब कभी भी चूड़ा भी हम लोग पहनते हैं ना तो 1 या 2 लाह ज़रूर मिक्स करके पहनते हैं। और गाइज, ये जो चूड़ी है गोल्डन और रेड, उसी के साथ मिक्स थी, लाइक रिसेप्शन और शादी का मेरा दोनों अलग अलग चूड़ी था। तो अभी अगर मैं सेट बना के रखती तो आपको समझ में आता है कैसा है, बट मैंने अलग अलग रखा है, सो कोई नहीं। बट ये शादी की चूड़ी थी इसलिए मैंने आपको सबसे पहले दिखाई है। ये पूरा जो सेट है ये आपने मेरे काफ़ी सारे वीडियो में देखा होगा, मैं खोलूंगी नहीं क्योंकि खोलूंगी ना तो ये पूरा गिरने लगेगा, बट आप ऐसे देख सकते हो। और ये जो पैकेट है, ये बैंगल का जो बैग है, ये मैंने फ्लिपकार्ट से बाय किया है, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सस्ता है, महंगा नहीं है। एंड गाइज, ये जो आप आगे से देख रहे हो ये सारी मेरी लाह की चूड़ियाँ, जब मैं ससुराल जाती हूँ तो मेरी सासू माँ हमेशा मुझे लाह की चूड़ियाँ ही देती है, क्योंकि लाह बहुत शुभ माना जाता है हम लोग में। सो गाइज, ये जो मेरी चूड़ी है ये दोनों लाह की है, जब मैं ससुराल जाती हूँ या सासू माँ जब मेरी आती है तो लाह की चूड़ियाँ जरूर लेकर के आती हैं। एंड ये वाली जो फर्स्ट दुर्गा पूजा थी ना उसमें मेरी सासू माँ ने मुझे ये ला दिया था। और गाइज, ये जो ब्लैक वाली मेरी चूड़ी है ये मैंने रेड और ब्लैक का एक जो मेरी साड़ी थी मैंने उसके साथ इसको वेयर किया था, और ये मैंने 100 रुपीज़ में लिया था लोकल मार्केट से अपने। एंड ये वाली कांच की सारी चूड़ियाँ हैं, ये सब जो रेड और पिंक में हैं। एंड गाइज, ये वाली भी मेटल में है, ब्लू वाली, और ये मेरा ब्लू वाला चूड़ा है जो मैंने 2-3 वीडियो में भी पहन रखा है ब्लू साड़ी के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड गाइज, ये साड़ी भी सारी मेटल की है। गोल्डन एक ऐसा चूड़ी होता है ना जो सारे साड़ी के साथ आपका आ जाएगा, लाइक अगर आप ब्लैक ब्लू कुछ भी पहनो तो आजकल गोल्डन तो बॉर्डर होता है, तो इसलिए मैंने लिया था कि मिक्स मैच करके उसमें मैं पहन सकूँ। एंड गाइज, ये रहा मेरा दूसरा पैकेट बैंगल का, एक पैकेट मैंने आपको दिखा दिया है। ये साड़ी मैंने शादी के दौरान ही ली थी तो मैंने पहन रखा है ये सभी। और ये जो आगे वाली लाह वाली है ये तो मैंने 3-4 वीडियो में तो पहनाई है। एंड गाइज, ये वाली जो करा है ना ये मेरी बहुत फेवरेट है, मतलब सिंगल सिंगल भी इसे पहन लेती हूँ ना तो ज़्यादा पहनने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ऑनलाइन नहीं मंगवाया है, 150 मैंने लोकल मार्केट से लिया है। नेक्स्ट दिखाती हूँ, ये ऑरेंज वाली है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। यू कैन सी, ये आपने देखा होगा मैंने एक ऑरेंज साड़ी पहना है उसमें मैंने इसे कैरी किया है, और ये थ्रेड डिज़ाइन में है, ये पूरी थ्रेड वाली चूड़ी, आजकल बहुत ज़्यादा चली हुई है थ्रेड डिज़ाइन की चूड़ी। अभी तक मैंने आपको जो भी चूड़ियाँ दिखाई वो कोई ऑनलाइन नहीं थी, लेकिन अब जो मैं दिखाने वाली हूँ ना वो कोई कोई आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। ये मुझे इसी टाइप के डब्बे में आया था, ये मैंने अमेजोन से मंगवाया है, ये थोड़ी कॉस्टली आपको मिलेगी अमेजोन पे। ये कुछ इस टाइप का बैंगल है, ब्रेसलेट के तरह, आप इसे मतलब ऐसे नहीं पहन सकते हो, आप आराम से इसे खोल करके ना ऐसे डाल सकते हो। अगर कहीं आप हरबड़ी में पहनना है आपको चूड़ी आप नहीं कैरी कर पा रहे हो बहुत सेट लगा करके, तो आप अगर ये सिंपल भी पहन लेते हो ना पूरा भरा भरा हाथ लगेगा। एंड इस साड़ी के साथ भी काफ़ी अच्छा मैच कर रहा है ये, ज़्यादा पहनने की चूड़ी ज़रूरत ही नहीं है, एक करा से ही काम चल जाएगा, लेकिन एक करा आपको सिर्फ सिंगल मिलेगा, मैंने डबल मंगवाया है क्योंकि सोचा चलो दोनों हाथ के लिए ले लूँ, बट ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड गाइज, नेक्स्ट जो मेरी है वो ये है,
ये वाली जो चूड़ी मैंने ली थी ये सेट लगाने के लिए, और सारी चूड़ियाँ जो प्लेन चूड़ी होती है ना उसके साथ मैं सेट लगा के पहन लेती हूँ उसको, सो अच्छी लगती है ये लटकन लटके हुए रहती है। तो ये मैंने 100 रुपीज़ की लोकल मार्केट से ली थी काफ़ी टाइम पहले। एंड गाइस आप ये वाली चूड़ी देख सकते हो, ये भी बहुत अच्छा इसका लुक है और ये पहनने पे आवाज़ करता है छन छन, सो यस। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, अगर ऑनलाइन इसकी लिंक मिलेगी ना तो मैं दे दूंगी। वैसे तो मैंने लोकल मार्केट से लिया है इसे भी 100 रुपीज़ में, और चूड़ियों के मामले में लोकल मार्केट से और ऑनलाइन से दोनों से शॉपिंग कर लेती हूँ। एंड गाइस ये जो 4 चूड़ियाँ हैं ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया है अमेज़ोन से। ये अलग अलग है, मतलब 2 का सेट आएगा, मैंने 4 मंगवाया है, और ये अच्छा लगेगा प्लेन चूड़ी के साथ आप आगे पीछे लगा के पहनोगे ना, ये पूरा मोती का डिज़ाइन दिया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है ये। इस चूड़ी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड इसकी साइज अवेलेबल रहती है, मुझे 2-4 होती है तो मैं। एंड गाइज ये चूड़ा मेरा फेवरेट है, लाइक मल्टी कलर का है ना तो सारे साड़ी के साथ आ जाता है, और इसे मैंने तीज में पहना था अपने, अगर तीज वाला ब्लॉग आपने नहीं देखा है तो मैं ऊपर लिंक डाल दूंगी। ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है और हर साड़ी के साथ मैच हो जाता है। गाइज ये वाला चूड़ा मैंने मीशो से मंगवाया है, उस पर काफ़ी अच्छा अच्छा चूड़ा का जो है ना काफ़ी कम प्राइस में आपको मिल जाएगा, सो इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं, आप मीशो पर देख सकते हो। तो मैं कोड डाल दूंगी, मीशो का लिंक नहीं होता है, कोड होता है तो मैं कोड डाल दूंगी, सो आप वहाँ से देख सकते हो। एंड गाइस जो ये मेरा रेड वाला चूड़ा है ये मैंने अभी तक पहना ही नहीं है, ये मैंने रिसेंटली बाय किया है। गाइस ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर लीजिए। एंड बैंगल काफ़ी अच्छा है। एंड गाइस ये जो मेरी चूड़ा है ये लास्ट है, ऐसे मैंने पिंक कलर में बाय किया मेरे, और रेड कलर का चूड़ा तो आपने देखा ही है, और ये भी मैंने मीशो से मंगवाया है, इसमें बहुत अच्छा प्राइस में मिल रहा था तो मैंने सोचा चलो मंगवा लिया जाए, एंड इसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी है। एंड ये काफ़ी लाइट वेट चूड़ा है सो आप बाय कर सकते हो इसे। सो गाइस ख़त्म हो गया मेरा सारा बैंगल, एंड और भी आगे अगर बैंगल मैं खरीदूँगी तो उसकी वीडियो ज़रूर आप लोग से शेयर करूँगी। एंड आई होप सो मेरी आज की बैंगल कलेक्शन आप लोग को अच्छी लगी हो। मेरे पास जितनी भी बैंगल थी ना, वैसे मैं ज़्यादा खरीदती नहीं, रिसेंटली जो खरीदा है वो भी आपसे शेयर कर दिया, बाकी फिर जो दुर्गा पूजा और ये जो छठ वट आता है ना तो फिर मेरी सासू माँ मुझे चूड़ी उड़ी दे ही देती है, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं खरीदती हूँ। एंड गाइस अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड आपको अगर इसमें से कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी है, वैसे तो मेरी सारी फेवरेट है, आपको कौन सी अच्छी लगी है ना कमेंट करके ज़रूर बताएगा। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दे चैनल को, एंड इस वीडियो को यार 500-600 तो लाइक पहुँचा ही दीजिए, मतलब बैंगल कलेक्शन और कलेक्ट करने में ना बड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि जो मेरी बैंगल जितनी भी थी ना मैंने सोचा यार थोड़ी सी है क्या रिव्यू करूँ, सो मैंने और 2-3 बैंगल मंगवाया सिर्फ वीडियो के लिए। सो नेक्स्ट पार्ट भी मैं अपनी बैंगल कलेक्शन की लेकर के आऊँगी, तब तक इस वीडियो का ढेर सारा प्यार दीजिए, और मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।